नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर गाजीपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में जिले में 7 मार्च को 3090 पोलिंग बूथों पर मतदान होगा। इसके लिए रविवार को जिला मुख्यालय से पोलिंग पार्टियों की रवानगी हुई। इसके बाबत जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जनपद में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। देखिए, विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए आज हमारे यहाँ सातों विधानसभाओं में मतदान पार्टियाँ रवाना हो रही हैं। करीब 95% पोलिंग पार्टीज़ ने अपना सामान भी रिसीव कर लिया है। जो जिन्होंने रिसीव नहीं किया वो रिसीविंग की प्रक्रिया में है। अभी आधे घंटे के अंदर सारी पोलिंग पार्टियाँ अपना सामान प्राप्त कर लेंगी और हमारे लिए गर्व का है विषय ये कि सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। हमारी टीम मेहनत से लगी हुई है और हम लोगों का प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी मतदान पार्टी यहाँ से रवाना हो और अपने अपने संबंधित मतदेय स्थलों पर पहुँच जाए। 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रदेश के 9 जनपदों में शामिल मिर्जापुर भी है और पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में जुटी पोलिंग पार्टियों को जिला निर्वाचन अधिकारियों और उनके सहयोगियों द्वारा रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनपद में कोई 2268 मतदान केंद्र है, जिसके लिए पार्टियों को रवाना किया गया है। पूरे जनपद को जोन और सेक्टर में बांटकर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कुल 5 विधानसभा में 18,91,042 मतदाता मतदान करेंगे। जिलाधिकारी मिर्जापुर, जनपद मिर्जापुर के सभी मतदाताओं को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि दिनांक 7 मार्च 2022 को मिर्जापुर में मतदान है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो आपका अमूल्य मतदान है उसका जरूर प्रयोग करें। विशेष रूप से मैं अपील करूंगा कि महिला मतदाता, दिव्यांग मतदाता और शहरी क्षेत्र के मतदाता वो है वो बढ़ चढ़ करके मतदान करें, जिससे हमारे मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। और आपका जो मत है वो अमूल्य है और आपको 5 वर्ष में एक बार ये अवसर मिलता है, तो इसका प्रयोग जरूर करें आप सब। रायबरेली में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां घोसियाना रोड पर बाइक सवार स्नैचर ने स्कूटी सवार छात्र की चेन छीन ली। वहीं मौके से चेन खींचकर स्नैचर फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी को भी खंगाला गया और मामले की जांच जारी है। चेन चोरी हो गई, किसी ने खींच ली। कौन लोग आए थे, बाइक से थे या पैदल? एक ही आदमी था। कौन सी बाइक से थे, कुछ देखा था आपने? ये नहीं पता, दो भैया साथ में थे, उन्हें पता था क्योंकि वो भी मेरे साथ में मतलब आगे चल रहे थे। किस तरफ से वो बाइक लेके भागा है चैन खींच के? बाइक से नहीं आया, अकेले आया। मतलब तरफ पुल उतरा और जो आईटीआई वाली जो कट है ना वहाँ पे, वहाँ से तो मुड़ के इधर ही चला। गाजियाबाद के लोनी में एक महिला ने आर्थिक तंगी के कारण अपने 3 छोटे बच्चों के साथ जहर खा लिया। जहर खाने से महिला और उसके 3 वर्षीय बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बेटियों की इलाज के दौरान दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। पता नहीं, मैं तो वहाँ बैठी, वहाँ उस सिल्ली पे बैठी, इनसे पूछ था तो धूप लगा ली, मेरे आध रंग मार रहा हाथ पाँव में। आप यहीं साथ रहते हैं? हाँ, मैं नीचे रहूँ, ऊपर है। यहाँ थाना टोनिका सिटी के अंतर्गत ग्राम इलायचीपुर में अमन गार्डन मोहल्ला पड़ता है। कल रात्रि 9 बजे ये सूचना मिली कि एक परिवार द्वारा जहरीला पदार्थ खा लिया गया है। इस सूचना पर मौके पर पहुँचा गया, वहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी ऑलरेडी परिवार में और 2 बच्चों का इलाज जीटीबी दिल्ली चल रहा था। प्रारंभिक जानकारी की गई, पूछताछ में पता चला कि मृतक महिला द्वारा ही स्वयं और अपने बच्चों को कोई जहरीला पदार्थ खिला दिया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जहां एक और 2022 विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के प्रचार का शोर थम गया है और चुनाव आयोग प्रशासन शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहा है, तो वहीं कानपुर देहात के बीजेपी नेता की जमीनी विवाद के चलते निर्मम हत्या कर दी गई है। कानपुर देहात में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष
अमरेश त्रिपाठी की ट्रस्ट की जमीन पर हुए कब्जे के विवाद को लेकर बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई। मामला ऐसा था कि एक घनश्याम पाल जगह पे अतिक्रमण कर रहा था, उसी को लेके बच्चा वहाँ गया हुआ था, वहाँ पे इसके ऊपर हमला हो गया। हमले में 4-5 लोग थे, उसने सर पे डांट डांट मारी, उसके बाद ये वहाँ पे गिर गया। जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए, तो हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। कितनी लोगों पर शक है आप? अब वो पुलिस जांच कर रही है और जिन लोगों पे शक है उनके नाम दे दिए गए हैं और पुलिस जांच कर रही है और FIR की प्रक्रिया चालू है। किसी पार्टी से भी जुड़े हुए थे? हाँ, ये भाजपा से, युवा मोर्चा से जुड़े। लखीमपुर खीरी से पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। दरअसल संपूर्ण नगर थाना इलाके की खजुरिया पुलिस चौकी में पुलिस के पास शांति नाम की एक बुजुर्ग महिला अपनी फरियाद लेकर पहुंची थी, जहां चौकी में मौजूद चौकी इंचार्ज मोहम्मद नासिर कुरैशी ने न सिर्फ महिला की फरियाद सुनी बल्कि बुजुर्ग महिला को अपने साथ बराबर कुर्सी पर बिठा कर चाय भी पिलाई, खाना भी खिलाया। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला अपने देवर के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंची थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। फरीदाबाद नगर निगम ने लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम शुरू किया है। इसके तहत नगर निगम मुख्यालय की दीवारों पर पेंटिंग करके और स्लोगन लिखकर लोगों को संदेश देने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज निगम कमिश्नर यशपाल ने मुख्यालय पर आकर पेंटिंग कर रही छात्राओं और टीचरों को प्रोत्साहित किया और पेंटिंग ब्रश चलाकर इस अभियान की शुरुआत की। मैसेज देने के लिए लोगों को जो एक्टिविटीज हम एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि वो ना करें, इस बारे में विभिन्न माध्यमों के द्वारा उन तक संदेश पहुंचाया जाता है। वॉल पेंटिंग भी उनमें से एक बहुत सशक्त माध्यम है। लोग आते हैं यहाँ पे इतने बड़े लेवल के ऊपर ताकि वो इसको पढ़ें और उन सब चीज़ों से दूर रहें। ये हम लोग दर्शाना चाहते हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को अवेयर करना कि हमारी नगर निगम हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि वो जो गलत काम कर रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पे रेडियाँ लगती है या स्प्लिट करते हैं, कूड़ा करकट हम लोग यहाँ फैलाते हैं, तो उसके प्रति हम लोग उन्हें जागरूक करना चाहते हैं, तो ये हमारा मेन मोटिव है। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने लूट और चोरी का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दो लूटेरों से 15,500 रुपए और एक देसी तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये कल रात जो है गोरई में 34 द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनका एक साथी मौके से फरार हुआ पूछताछ से। इन्हें व्यापारी वाली लूट 18 जनवरी को करना बताया है, उसका 14,000 रुपया बैंक के पास से बरामद हुआ है तथा 25 दिसंबर को डेटा में शराब ठेके में चोरी हुई थी, उसको भी इन्हें इकबाल किया है, उससे संबंधित भी पैसा बरामद हुआ है और इनके पास एक तमंचा भी बरामद हुआ है। एक साथी अनिल इनका मौके से फरार हो गया है, उसकी भी तलाश की जा रही है, जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी की। पुराने कितने मुकदमे दोनों अभियुक्तों पर? दोनों अभियुक्तों पर करीब 10-10 मुकदमे गैंगस्टर लूट चोरी और अन्य धाराओं के हैं। गैंगस्टर भी इन पर पूर्व में लगी हुई है। दोनों लूट में और चोरी में कई मुकदमे इनके ऊपर पंजीकृत। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब जिले के मरीजों को इलाज और जांच बहराइच के एक एके हॉस्पिटल में मिलेगा। इसके लिए रविवार को लखनऊ से बहराइच शहर के डिगिहा स्थित एके हॉस्पिटल में प्रख्यात सर्जन डॉक्टर विभोर महेंद्र पहुंचे। साथ ही उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कैंसर बीमारी खतरनाक है, लेकिन समय से बीमारी की जानकारी होने पर इसे रोका जा सकता है। गरीब है जिनके पास में आयुष्मान कार्ड की सुविधा है, उनका इलाज अभी तक निःशुल्क यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। लखनऊ में हमारे पास व्यवस्था है, वहाँ सबको हम उसका निःशुल्क करेंगे और जो उन्हें अप्लाई कर दिया है इस अस्पताल को पार्टी करने के लिए, जैसे ही वो कार्ड हो जाता है यहाँ पे गरीब का आयुष्मान कार्ड हालत होगा निःशुल्क कैंसर का इलाज किया जाए। खबर फतेहपुर
खबर जनपद के गाजीपुर थाना क्षेत्र से है, जहां 18 फरवरी को गाजीपुर थाना क्षेत्र के बलीपुर गांव के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला था। वहीं अब पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना गाजीपुर क्षेत्र के वलीपुर रोड पे एक अज्ञात महिला का शव प्राप्त हुआ था। शव प्राप्त होने के बाद में पुलिस ने जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है और जो परंपरागत ढंग है पुलिस का, मुखबिरों का जाल बिछाया, तो उससे जो है मुखबिरों से जानकारी मिली कि इस घटना में बांदा के लोग शामिल हैं। फिर पुलिस के द्वारा सर्विलांस की मदद से इस बात की पुष्टि हुई कि इसमें अभिमन्यु उर्फ अजीत निवासी कुकराही थाना तिंदवारी जनपद बांदा का जो है आदमी था। उसके बाद फिर इनसे पूछताछ पर इस बात का खुलासा हुआ कि जो अज्ञात महिला थी उसका नाम अनीता था, अनीता पुत्री कुंवर लाल निषाद निवासी गोकुलपुर थाना जहानाबाद की थी वो, और फेसबुक पे इनकी दोस्ती हुई थी 5 वर्षों से। उसको इन्होंने बुलाया था क्योंकि वो महिला इनके ऊपर शादी का बराबर दबाव डाल रही थी, और ये जो है झांसा तो दिया था इन्होंने शादी का, लेकिन शादी करना नहीं चाहते, इसलिए अपना पिंड छुड़ाने के लिए जो है अपने भाई की मदद से इन्होंने उसको 17/18 की रात में योजनाबद्ध तरीके से यहाँ बलीपुर में रोड एक्सीडेंट दिखाने के लिए जो है उसकी हत्या कर दिया। खबर सहारनपुर से है, जहां डिलाइट अम्ब्रोसिया रेस्टोरेंट के सामने शामली निवासी डॉक्टर ने रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। हालांकि अभी मामले का खुलासा नहीं हो पाया है। बता दें मौजूद डॉक्टर की पत्नी ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आत्महत्या का अभी तक कोई वजह पता नहीं चली है। डॉक्टर जो है वो रेस्टोरेंट से 10 मीटर आगे जाकर खुद को लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। जैसे ही घटना का पता स्थानीय पुलिस को चलता है, तुरंत मौके पर थाना फतेहपुर की पुलिस पहुंचती है एवं सारी स्थितियों को काबू में किया जाता है। मौके पर FSL टीम भी पहुंच जाती है और अन्य अधिकारी भी पहुँच गए हैं और बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हाँ जी, एक बॉडी रात को लाई गई है करीबन 12:30 बजे करीब। डॉक्टर RP सिंह नाम बताया जा रहा है उनका, और शामली के रहने वाले हैं। उनकी मृत्यु सुसाइडल है, गनशॉट है सेल्फ, अपनी जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है शायद उससे मारा गया है। हमारे पास ये आया गया है 12:30 पे। सिद्धार्थनगर जिले की SOG सर्विलांस और त्रिलोकपुर थाने की पुलिस ने संयुक्त अभियान में 4 शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनके पास से पुलिस ने 12 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पकड़े गए चोर त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। देखिए, थाना त्रिलोकपुर और SOG की टीम ने एक गैंग को पकड़ा है जिसमें 4 सदस्य हैं। इनके पास से चोरी की 12 बाइक पुलिस ने बरामद की हैं, जो गोरखपुर जोन के अन्य जो ज़िले हैं, गोंडा हो गया, बलरामपुर हो गया, बस्ती हो गया, गोरखपुर, यहाँ से वो बाइक चोरी हुई हैं। फिर इनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर को खुरच के उस पर फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के ये लोग बाइक्स को बेचते हैं, यहाँ भी बेचते हैं और नेपाल में भी क्रॉस बॉर्डर बेचते हैं। इस तरीके के गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। इसमें से 6 बाइक कनेक्ट हो गई हैं जो हमारे जनपद से चोरी हैं और बलरामपुर से मुकदमा लिखा, बलरामपुर में चोरी हैं, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से चोरी हैं, सब मुकदमे दर्ज हैं। 6 इस तरीके की बाइक बरामद हुई हैं जिनमें मुकदमे दर्ज हैं। श्रावस्ती में जिला पंचायत की ओर से बनाई जा रही सड़क के निर्माण में अनियंत्रित का आरोप लगा है, जहां एक दिन पहले लगभग 200 मीटर बनी सड़क उजड़ना शुरू हो गई, जिसको लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क निर्माण का काम रुकवा दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे ठेकेदार मिराज ने यही सही मटेरियल के साथ सड़क निर्माण का भरोसा दिलाया और जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए और निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया। भैया इमा रोड में मटेरियल नहीं पड़ रहा है, उसके बाद में है जो है गलत रोड बनाई जाती है, कोनो मटेरियल नहीं डालते हैं के बाद में भर अभी से उजरत थी, आज काल बनाए नहीं, आज कुल रोड उजर गए। क्या दिक्कत है रोड में? रोड मानक के हिसाब से बहुत माल पड़ा है जी, और रोड तुरंत उजर रहा है, अभी रोड बनाने से क्या फायदा है? तो आप लोग क्यों काम रोक दिए हैं? काम रोक दिया है कि मानक का मतलब सही दिखाए, इका देखें मटेरियल बढ़िया डाले, अधिकारी आज जांच करें।
उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।